आईपीएल 2021 मैच टू आज मैच था चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। एक तरफ यंग कैप्टन था, एक तरफ तजर्बेकार कैप्टन था, लेकिन ऋषभ पंत ने एमएस धोनी को शिकस्त दे दी है। क्या ही जबरदस्त दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में खुसूसी तौर पर ओपनर्स ने परफॉर्मेंस दी। 150 प्लस ओपनिंग पार्टनरशिप बनी। इस तरह शिखर धवन ने आज गब्बर इज बैक अगर करार दिया जाए गलत नहीं होगा। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है दिल्ली कैपिटल्स ने। बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, हर तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने जान मारी है। और खुसूसी तौर पर एम एस धोनी के लिए जो आवाम इंतजार करते हैं एम एस धोनी परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन एम एस धोनी इस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके और आज जीरो पर आउट हो गए एम एस धोनी। फैब डुप्लेसिस इस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो आज यंग गन्स जो है वो तजर्बेकार यानी कि तजर्बेकार टीम के खिलाफ अच्छा खेले और दिल्ली कैपिटल्स ने इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को बआसानी शिकस्त दे दी है। मेरे साथ अता मौजूद है। अगर आज के मैच की बात करें तो आज चेन्नई उस तरह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जो धोनी से तो थी कि धोनी आएंगे और आज मिरेकल कुछ करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं हो सका। नहीं, स्टार्ट में चेन्नई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, रायना बहुत जबरदस्त इनिंग खेल रहे थे, लेकिन एकदम ही कोलैप्स कर गई टीम। धोनी जीरो पे आउट हो गए, फैब डुप्लेसिस जीरो पे आउट हो गए। समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। धोनी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, कप्तान कैप्टन है, जाहिर सी बात है बड़े कैप्टन है, बहुत बड़े कैप्टन है, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन नजर नहीं आया वो जोश, वो जुनून नज़र नहीं आया, एक चीज़ क्लास नज़र नहीं आई। चाहे धोनी इतना अरसा क्रिकेट से दूर है, इस वजह से उनकी फॉर्म आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आया चेन्नई का। अच्छा, चेन्नई पिछले सीज़न से भी धोनी उस तरह फॉर्म में नहीं थे, और इस सीज़न में बात करें तो रैना ने तो इम्पैक्ट डाला, उसके बाद नीचे से जिस तरह खुशी तौर पर बात करें सैम करन मिश्रा की परफॉर्मेंस दी जाए जैसे कि 188 स्कोर एक अच्छा स्कोर था, लेकिन बॉलर उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके। ये स्कोर ज़्यादा जा सकता था धोनी अगर थोड़ा सा अच्छा खेल जाते या फैब डुप्लेसिस थोड़ा सा अच्छा खेल सकते तो 200 प्लस नज़र आता। मैंने तो एम बनाया था कि 230-240 तक जाएगा, लेकिन डुप्लेसिस और धोनी ने बिल्कुल वो उम्मीदों पर पानी फेर दिया मेरी। और ड्राइवर में चले ना, अगर ओवरऑल बात करें बैटिंग उस तरह पर बात करें, जिसका शिखर धवन ने, पृथ्वी शाह ने आज स्टार्ट दिया और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने बास आनी चेन्नई को शिकार। आज तो दिन ही शिखर धवन का था, ऐसा लग रहा था इस तरह धुलाई की है उन्होंने कि पता नहीं किसी बॉलर को नहीं बख्शा। हर बॉलर को उन्होंने दे मार छक्के, दे मार चौके उन्होंने बहुत ज़्यादा रुला दिया, और विकेट देने का तो वो नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी जगह पे अपना ऋषभ शाह, ऋषभ पंत, उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग साथ धवन का इतना ज़बरदस्त साथ दिया है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन दिल्ली ने आज साबित किया कि भाई हमारी टीम भी मजबूत है, हम भी IPL खेलने आए हैं, यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं आए। साथ ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत का आज पहला मैच था एज अ कैप्टन, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए थे तो ऋषभ पंत एज अ कैप्टन बने और बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है। फुल क्रेडिट देना पड़ेगा ऋषभ पंत को, पहले मैच में एमएस धोनी जो उनके यानी कि जिन्होंने उनको सिखाया आज उन्हीं के खिलाफ एज अ कैप्टन थे, बस वो शागिर्द उस्ताद से बाजी ले गया। लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग में धोनी को थोड़ा सा कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह धोनी के बगैर जो है ना वो टूर्नामेंट का मजा नहीं आता, तो धोनी को इस चीज में थोड़ा सा कमबैक करना पड़ेगा। दूसरी जगह पे इसने बहुत जबरदस्त, ऋषभ पंत ने बहुत जबरदस्त कप्तानी भी की है, बहुत जबरदस्त इनिंग भी खेली है अपने मैच में। तो दूसरा शिखर धवन तो फिर भाई उस्तादों के उस्ताद है, उन्होंने तो बस पान के रख दिया चेन्नई सुपर किंग को और उनकी सारी। और साथ साथ बात करें तो MS धोनी का लोग इस वजह से बड़ा इंतजार में थे कि MS धोनी पिछले सीजन में उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे और इस फिटनेस के लिहाज से तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है जीरो पे आउट हो गए हैं और कप्तानी में भी मुझे वो जोश वो जज्बा नजर नहीं आया जो उनका इंडिया की कप्तानी में होता था या पहले IPL में होता था। चेन्नई को जिताया उन्होंने, मतलब उनकी कप्तानी में वो चीज नजर नहीं आ रही। हो सकता है कोई टेंशन हो उनको अपनी लाइफ के हिसाब से या कुछ हो, या वो अपनी फॉर्म वापस लाने में हो रहे हो तो किस्मत उनका साथ ना दे रही हो, ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि वो खेलते हैं जुआ, सबको पता है किसी बॉलर को कहाँ पे ट्राई करना, किसी बॉलर को कहाँ पे ट्राई करना, तो वो एक लक उनका शायद साथ नहीं दे रही। लेकिन आगे आने वाले मैचों में मुझे लग रहा है कि धोनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और धोनी बताएंगे कि भाई धोनी धोनी है, और धोनी परफॉर्मेंस देंगे तो चेन्नई हमेशा से जीतता आया, तो धोनी की परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर MS धोनी ने एज अ कैप्टन परफॉर्म किया तो चेन्नई ऑब्वियस बात है चेन्नई आगे जाएगी। लेकिन अगर आप कल के मैच की बात करें तो कल भी एक बड़ा मैच है, बात करें सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, तो ता क्या लगता है क्या हैदराबाद जीतेगी या कोलकाता? मुझे लगता है हैदराबाद कल का मैच ले जाएगी।
अच्छा, और मुझे लग रहा है कोलकाता ले जाएगी, जिस तरह की कोलकाता की टीम है, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, एन मॉर्गन। तो देखते हैं कल क्या होता है नाजरीन। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करनी है, शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्रिकेट के फैन के साथ जुड़े रहना है, कमेंट्स में लाजमी बताना। IPL की लम्हा ब लम्हा कवरेज जो है वो आपको क्रिकेट के फैन पर मिल रही है, तो आप क्रिकेट के फैन को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको हमारा तजिया कैसा लग रहा है। तो आप हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।